हेलो दोस्तों, फॉर्मुलेटर में आप लोग का स्वागत है। पीवाईक्यू एक्यू यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू 2020 का अभी पार्ट बी आज स्टार्ट होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। ठीक है, बीटेक थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर 2020 में जो पूछा गया था क्वेश्चंस में, ठीक है, उसका पीवाईक्यू हम चल रहे हैं। पार्ट ए में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए थे, वो आप पार्ट ए इसका देख लेंगे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ कर का काम करना है, ऑफ द गिवन फंक्शन एंड ऑल्सो राइट द रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है डू समथिंग करके, एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता करना है, गिवन करना ही है, प्लस ऑल्सो क्या करना है कि रिलेशन भी फंक्शन का बताना है कि रिकरेंस करना है। किसी भी फंक्शंस को आप इसमें ऐड कर सकते हो, किसी भी चीज से इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, या फंक्शन भी क्या है, डू समथिंग, कुछ कर, मतलब कुछ करने का, तो कोई काम करने का काम करके आप इसे कंबाइंड कर सकते हो, रिलेशन कर सकते हो। तो जैसे हम एक काम कर लो कि फ्लोर और सीलिंग, ठीक है, ये फ्लोर हम जब जहां खड़े हैं ये क्या है, एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो बोलते हैं, और सीलिंग क्या है, एक जो छत होता है उसको हम सीलिंग बोलते हैं। फ्लोर और सीलिंग का क्या रिलेशन है, जहां जो फ्लोर है वो भी सीलिंग हो सकता है, जो सीलिंग है वो भी फ्लोर है। मतलब आप अगर सीलिंग के ऊपर चल जाओ अभी आप जहां हो तो उसका वो एक फ्लोर हो जाता है, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर जो ये सबसे ऊपर छत पे जाओ तो वहां पे एक का रूप वो सीलिंग काम करता है। तो आप इस चीज को कंबाइन किसी भी चीज करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे इसमें हम डिटेल इसका लिखते हैं, इसका आंसर जो होगा यहां पे हम लिखते हैं आंसर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो होगा एक्सप्लेनेशन रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्सिव रिलेशन फॉर द डू समथिंग, डू समथिंग इज, इसका रिकर्सिव रिलेशन क्या हम डू समथिंग का जोड़ सकते हैं। मान लो एक हम यहाँ टी ले लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू टी रूट एन, ओके, प्लस सी वन इफ एन ग्रेटर देन टू। ये एक इक्वेशन हमने ले लिया, मतलब एक टी एन है इक्वल टू टी रूट एन प्लस सी वन, जिसमें इफ क्या है, एन क्या है, दो से बड़ा होना चाहिए, एन ग्रेटर देन टू हो गया, तो ये हमने एक रिलेशन ले लिया। ओके, यहां पे हम करेंगे वी हैव इग्नोर, इग्नोर द फ्लोर फंक्शन पार्ट एज इट डज नॉट मैटर हेयर इफ इट्स अ फ्लोर और सेलिंग। ठीक है, लेट एन टू टी पावर, आप इसे पावर कह दो या रूट कह दो, टी एन इजकल टू टी टू दी पावर एम, लेट टी एम एस एम फ्रॉम द एबव, फ्रॉम द एबव टू, इन दोनों इक्वेशन से, यहाँ लेट एन, एन बराबर क्या है टू दी पावर एम, यहाँ पे हम ले लेते हैं, या फिर टी एन टी टू दी पावर एम कर देते हैं, लेट टी टू दी पावर एम इजकल टू एस एम कर दिए, तो इन दोनों के इक्वेशन मिला के
यहाँ पे क्या आ रहा है, टी एन इजकल टू एस एम। ओके, टी एम यहाँ पे क्या है, ये टी एन है, बाकी ये सब इग्नोर हम कर सकते हैं, इग्नोर कर दिए हम टी एन और एस एन कर दिए, क्योंकि यहाँ वी हैव इग्नोर द फ्लोर पार्ट एज इट द डज नॉट मैटर हैव इट इज अ फ्लोर या सीलिंग, मतलब जो सबसे बेस पार्ट है उसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर जो एक टॉप पार्ट है उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो जो एक नॉर्मल टी एन यहाँ पे है वो, और इस जगह पे एस एम है, नॉर्मल एक पार्ट है, इसे हम लिख दिए टी एन इजकल टू एस एम। ओके, ये लिखने के बाद हम यहाँ पे और लिखेंगे, इस जगह से हम यहां आते हैं एस एम, एस एम इजकल टू एस एम बाई टू प्लस सी वन। तो एस एम इजकल टू ओ लॉग एम। ओके, ओ लॉग एम, तो एस एम को यहां हटा देंगे तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओ लॉग लॉग एम। ओके, लॉग लॉग एन। ओके, यहां पे भी लॉग क्या हो जाएगा, ये एम आ रहा है और इसे इग्नोर करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एम को, एम होगा या एन नहीं होगा। ओके, तो जब देखिए यहां, जब ये दोनों अबव इक्वेशन को मिलाया गया तो ये सब जितना था सब इग्नोर हो गया। ओके, क्या बचा, टी एन और एस एम। तो यहाँ पे टी एन इजकल टू एस एम का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। अब एस एम को हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल हम रिलेशन के लिए जोड़ रहे हैं कि एस एम एम बाई टू, एम क्या है, एक कोई वर्क है, ठीक है, उसका हम टू हाफ पार्ट कर दिए, प्लस सी वन, सी वन क्या था, यहाँ पे था, तो इस जगह पे हम ये आ गया एम बाई टू, और एस एम इजकल टू ओ ओमेगा लॉग एम। ठीक है, अब हम क्या करें, ओमेगा है तो यहाँ पे लॉग लॉग एम कर देंगे, तो ये क्या हो गया, इसका इक्वेशन आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका निकालना था, यही आप सेम इस क्वेश्चन के लिए ये पार्ट लिख देंगे, आंसर इसका सफिशियंट है, ज्यादा इसमें कुछ और करने की बात नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द अबव एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड यूजिंग स्टैक, सो द कंटेंट ऑफ स्टैक आफ्टर ईच स्टेप, मतलब इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमें करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थ्री, टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या कहता है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू हो गया है थ्री। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एट सेवन थ्री माइनस डिवाइड सिक्स टू फाइव फोर प्लस ये। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालना, आगे क्वेश्चंस और भी हैं, ये चलिए इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, द अबव एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड यूजिंग स्टैक, so the content of stack after each step। okay, तो इसका हमें normal है, ज्यादा कोई hard है नहीं, यहां पे हम लिखेंगे symbol scan, यहां पे लिखेंगे स्टैक। ओके, चलिए अब लाइन बाय लाइन करते हैं, पहला क्या है एट, एट लिखे, यहां भी एट लिख देंगे। ओके, सेकंड क्या है सेवन, यहां एट और सेवन होगा,
फिर क्या है 3, यहां पे हम कर देंगे 8, 7 and 3। अब जो ये ऑपरेंड था हमारा, जब ऑपरेटर आएगा, ध्यान रखिएगा, जब ऑपरेटर आएगा तो लास्ट 2 डिजिट में क्या होगा, उस ऑपरेटर का ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब यहां पे माइनस आ रहा है तो 8, 7 minus 3 होगा, यहां पे क्या आएगा 4, ठीक है 8, 4। अब फिर क्या है, ऑपरेटर है डिवाइड, तो इन दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या बचेगा 2, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। अब फिर क्या आ रहा है 6, यहां पे 6 होगा, यहां भी होगा 2, 6, फिर क्या है 2, यहां पे 2 लिखेंगे, यहां पे 2, 6, 2 लिखेंगे, ओके। फिर 5 है हमारा, यहां पे 2, 6, 2, 5, फिर क्या है 4, यहां पे आएंगे 2, 6, 2, 5, 4, ओके। फिर हम यहां पे लिख रहे हैं इसको, इस जगह से यहां आएंगे, ठीक है, यहां पे सिंबल स्कैन एंड स्टैक, ओके 4 आ गया। 4 के बाद क्या था, प्लस था, तो अब क्या होगा 2, 6, 2, 9, ओके 5 plus 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन आया। अब आ गया मल्टीप्लाई, तो 2, 6, 9 दुना 18 आ गया, ठीक है 9 2 18, फिर प्लस है, अब क्या आएगा 2, क्या आएगा 24, ओके 24 आ जाएगा। फिर क्या आएगा माइनस, तो माइनस 24 minus 2 20, ओके 22 आएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर, यही इसका सॉल्यूशन है। अगर इस टाइप का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है 8, 7, 3 माइनस डिवाइड 6, 2, 5, 4 प्लस इनटू प्लस माइनस, तो आप इसका कैसे करेंगे, सिंबल स्कैन लिखेंगे इस जगह, जो जो स्कैन होते हुए जाएगा, और इस सेट जो जो स्कैन स्टैक में हो रहा है वो इसमें ऐड होते चला जाएगा, ओके। तो 8 आया तो 8, फिर 7, 8, 7, 8, 7, 3 इस तरह से, और जहां ऑपरेटर आएगा लास्ट 2 डिजिट, जो जब भी लास्ट हो, यहां जैसे इसमें इतना बड़ा है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, उस पे ऑपरेशन का काम होगा, ओके। तो ये आप पूरा इस तरह से बना के इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में जब यहाँ पे माइनस ये ऑपरेटर एंड हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो माइनस देखें यहाँ 22 कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट नोटेशन फॉर कंपेयरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम विथ नेट फिगर, ठीक है फिगर के साथ हमें क्या निकालना है, इसमें डिफरेंट नोटेशन जो थीटा ओमेगा और गामा नोटेशन जो ये 3 हैं, इसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ये थ्योरी क्वेश्चन है, इस पे हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमें नोटेशंस के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4, What are the different notation, different notations for comparing the time complexity of an algorithm explain each of them with
नीट फिगर। ओके, यहां पे तीनों के बारे में हमें लिखना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। द फॉलोइंग थ्री ए सेम्प्टोटिक सिम्प्टोटिक नोटेशन नोटेशंस आर मोस्टली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। ओके, जिसमें पहला जो है थीटा नोटेशन इस चीज के बारे में आप ज्यादा जानकारी डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो सीरीज जो है वो आप जरूर सुने। शुरुआत का वीडियो में ये सब सारे चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आप इस चीज को पूरा डिटेल में जानने के लिए आप वहां पे जरूर उस वीडियो को देखें। ओके, द थीटा नोटेशन बॉन्ड्स अ फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो सो इट डिफाइन defines exact asymptotic behavior. Okay, a simple way to get the theta notation of an expression is to drop low order terms and ignore leading constant. For example, consider the following expression. Consider the following expression. Six n square
3n² + 6n² + 6000 × π n × n^3। ये इसका एक इक्वेशन है जिसके ड्रॉपिंग ऑर्डर जो इसमें आएगा, ठीक है, इसके बाद जो हम कंटेंट लिखेंगे, ड्रॉपिंग लोअर ऑर्डर टर्म्स इज ऑलवेज फाइन बिकॉज देयर विल ऑलवेज ऑलवेज बी अ नंबर ऑलवेज बी अ नंबर नंबर एन विच थीटा एन क्यू हैज हायर वैल्यू देन थीटा एन स्क्वायर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व। ओके, ये हमारा एक थीटा नोटेशन के बारे में था कि देखिए ये तीनों थीटा गामा और ओमेगा ये एक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता, कोई वर्स्ट केस है, बहुत एवरेज है या फिर एक नॉर्मल केसेस में है, ये इन सब के बारे में कि कौन सा एल्गोरिदम कितना कॉम्प्लेक्स है, कौन सा एल्गोरिदम वर्स्ट केस है या एवरेज केस है, ये इसमें तीनों जो नोटेशंस हैं इसके बारे में ये बताता है। द थीटा नोटेशन बॉन्ड्स अ फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो सो इट डिफाइन एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। A simple way to get the theta notation of expression is to develop order terms and ignore leading constant for example. मतलब एक अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए कि 3n² + 6n² + 6000 है इक्वल टू थीटा एन क्यू, ठीक है, एन टू द पावर 3 है या एन क्यू आप जो बोले, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स है या वर्स्ट केस है या फिर एक एवरेज है, ये यहाँ पे इसको आप कर समय पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या है कि थीटा एन क्यू जो है ये हायर है थीटा एन स्क्वायर से, नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, इंस्पेक्टिव ऑफ द कांस्टेंट इन्वॉल्व। जहां भी ये अगर पार्ट रहेगा कि ये थीटा एन क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा एन स्क्वायर, ठीक है, ये तो बड़ा है ही, तो इस जगह पे यहाँ पे क्या होगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन का बिहेवियर जो होगा वो नॉर्मल का केस में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व रहे या ना रहे, कांस्टेंट मतलब क्या, ये वैल्यू 3n² क्या ये फिक्स है कि 3n² है, n स्क्वायर को हटाओ तो 3 वहां पे फिक्स वैल्यू है। ओके, अगर n स्क्वायर को इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, तो 3 + 6 + 6000 इस तरह से वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका थीटा नोटेशन के बारे में था। आगे हम इसमें और लिख देते हैं कांस्टेंट इन्वॉल्व के बाद, ये कंप्लीट आप इसको हो जाएगा ये, उसके बाद और हम लिखेंगे आगे फॉर अ गिवन फंक्शन जी एन we denote theta gn is following set of function। okay,
तो थीटा जी एन एफ फंक्शन एन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी वन सी टू एंड एन जीरो सच दैट सी वन इंटू जी एन लेस देन फंक्शन एन लेस देन इज इक्वल टू सी टू जी एन फॉर ऑल एन एन जीरो. ये इसका इक्वेशन एक है कि थीटा अगर जी एन है तो फंक्शन एन का देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट अगर है सी वन सी टू एन जीरो सच ये पॉजिटिव है मतलब ये फिक्स है कॉन्स्टेंट ये प्रेजेंट है तो इस केस में डेट जीरो लेस देन इक्वल टू सी वन इंटू जी एन लेस देन इक्वल टू एफ एन और लेस देन सी टू इंटू जी एन. तो सारा क्या है इसमें एक तरह से सारे फंक्शन एक तरह से क्या है लेस देन में आ रहे हैं फॉर ऑल एन लेस देन इक्वल टू एन जीरो. तो ये क्या हो जाएगा एन लेस देन इक्वल टू एन जीरो क्योंकि फॉर ऑल के लिए क्या क्यों रहा है क्योंकि ये भी लेस देन है यहाँ भी लेस देन है यहाँ भी लेस देन है तो सारे के लिए तो एन एक नॉर्मल यहाँ पे एन जीरो लिए ही है तो यहाँ पे एन क्या होगा एन लेस देन इक्वल टू एन जीरो ऑल के लिए फॉर ऑल जितने भी इक्वेशन है सबका एन जो होगा वो एन जीरो से लेस देन होगा. ओके तो अबव डेफिनेशन मीन्स यहाँ पे अब हम इसका पूरा डिटेल लिखते हैं द अबव डेफिनेशन मीन्स इफ एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन देन द वैल्यू एफ एन इज ऑलवेज बिटवीन सी वन इंटू जी एन एंड सी टू इंटू जी एन फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन लेस देन इक्वल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो यहां भी ग्रेटर देन है. ओके एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो द डेफिनेशन ऑफ theta also require that fn must be non-negative for यहां पे हम लिख देते हैं for value of n greater than n zero. यहां जो कह रहे हैं कि फाइनली जो ग्रेटर क्या वैल्यू आएगा तो n greater than is equal to n zero. तो यहीं पे पहला जो है डेफिनेशन ऑफ थीटा आल्सो रिक्वायर्ड दैट एफ एन मस्ट बी नॉन नेगेटिव फॉर वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन एन जीरो क्योंकि एन बड़ा है एन जीरो से तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा नॉन नेगेटिव वैल्यू वहां पे नहीं होगा. ओके okay?
तो ये एक थीटा नोटेशन का हमारा डिटेल था। इस पे एक फिगर जो बनेगा वो आप सी टू जी एन फंक्शन एफ एन एंड सी वन जी एन, ओके। तो ये यहां से यहां की ओर आया एन जीरो, ये एन हमारा हो गया, ओके। तो ये इसका फिगर है, आप इसे लिख लें, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एन ग्रेटर देन एन जीरो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बिग ओ नोटेशन, जिसको ओमेगा नोटेशन भी बोलते हैं, या बिग ओ अधिकतर आप सुनोगे बिग ओ, बिग ओ। सेकेंड हमारा है बिग ओ नोटेशन, द बिग ओ नोटेशन defines an upper bound, upper bound of an algorithm, it bounds a function function only from above, for example consider the case, consider the case of insertion sort, insertion sort, it takes linear time in the best case and quadratic and quadratic time in the worst case we can safely say that the time complexity of insertion sort O, note that O to the power 2 also covers linear time. Big O notation में, big O notation define upper bound of a algorithm, it bound a function only from above. For example, consider the case of insertion sort. Insertion sort में बीच में कहीं पे insert करने का काम आता है, कहीं कहीं, मतलब एक line है, उस line में कहीं mid में insert करना है, उसका अलग एक part, एक mid part अलग होगा, ठीक है? It takes linear time in the best case and quadratic time in the worst case. We can safely say that the time complexity of insertion sort O n to the power 2, note that O n to the power 2 also convert linear time. मतलब insertion
इस केस में या तो वर्स्ट केस ज्यादातर ओमेगा में वर्स्ट केस होते हैं नॉर्मली, ठीक है, एवरेज होते हो सकते हैं, तो वर्स्ट केस होता है, ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लेता है, ठीक है। इंसर्शन में होगा क्या कि या तो बेस्ट केस में भी हो सकता है या वर्स्ट केस भी हो सकता है, बीच में इंसर्ट करना कभी कभी इम्पॉसिबल भी होता है। अगर हमारा अगर नोड खाली नहीं है तो उस केस में इंसर्ट करना वहां पे वर्स्ट केस होगा, और अगर नोड खाली है तो ठीक है, तब इंसर्ट करने के लिए एक नोड आगे हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ पे है कि दोनों क्वाड्रेटिक टाइम में भी या तो वर्स्ट केस होगा या तो लीनियर होगा। लीनियर मतलब एक अरेंजिंग करने के केस में होगा कि वो अगर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसे हम अरेंज अच्छे से करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे केस इस टाइप से यहाँ पे आता है, जिसमें एक आप वन में आप लिख सकते हो द वर्स्ट केस टाइम, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन शॉर्ट यहां पे थीटा कर दो एन पावर टू, या आप ओ ही ओमेगा लेके चलो, ओमेगा बिग ओ ओमेगा एन टू पावर टू, या तो बेस्ट केस जो होगा इसका, तो बेस्ट केस जो होगा आप इसे डायरेक्ट यहीं पे लिखो, बेस्ट केस क्या होगा ओ थीटा एन, ठीक है, या ओमेगा लो या थीटा लो, थीटा एन भी ले सकते हैं या ओमेगा का कभी काम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होगा बेस्ट केस का होगा थीटा एन। तो बिग ओ नोटेशन में यही आता है, इसका जो फिगर बनेगा वो आप यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये थ्योरी पार्ट है, इसे आप जो मिले इसका जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं या फिर लिखवा रहे हैं वही आप थ्योरी अगर आप इसे लिख दोगे ये पूरा एक अच्छे मार्क्स के लिए आ जाएगा। ओके, या और सफिशियंट होगा इसका आंसर। ओ जी एन एफ फंक्शन एन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव सेम है जो थीटा में हमने किया था कांस्टेंट सी एंड एन क्यू सच एंड थीटा सच डेट पाई फंक्शन एन लेस देन सी इंटू जी एन for all n greater than n zero, same as है, इसे भी आप यहां figure के रूप में आप देख सकते हैं। CGN and function N, NO, यहाँ पे function N is equal to OGN, ये यहाँ पे omega का जो cases होंगे वो function N का omega GN, ठीक है, तो ये इसका omega का part था। अब आते हैं ओ में बिग ओ नोटेशन का पार्ट था, अब आते हैं ओमेगा पे। ओमेगा छोटा सा पार्ट है,
नोटेशन जस्ट एज बिग ओ नोटेशन provides an asymptotic upper bound on a function omega notation provides an asymptotic lower bound. Omega notation can be useful when we have a lower bound on the time complexity, of an algorithm as discussed, in the previous post. The best case performance of an algorithm is generally not useful. The omega notation, is the least used notation among all time. Okay, यहाँ पे ओमेगा नोटेशंस का ज्यादा आप यही सेम एज इक्वेशन जो आप लिख सकते लिखते थे कि n ग्रेटर देन n जीरो या n ग्रेटर देन n ओमेगा, ये आप यहाँ पे इक्वेशन से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें उतना जरूरी नहीं है. ओमेगा नोटेशन अपर बॉन्ड में ज्यादा यूज होता है जनरली. ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम के कोई बताने के लिए भी इसका भी यूज है, लेकिन ये ज्यादा अपर बॉन्ड में यूज होता है और ये सिम्प्टोटिक नोटेशन का जब सबसे बेस्ट पार्ट होता है ओमेगा नोटेशन. ठीक है, जो जनरली हाई लेवल के लिए एल्गोरिदम जो होते हैं उनमें जो सबसे हाई लेवल्स कॉम्प्लेक्सिटी होता है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने का ये एक अच्छा एग्जाम्पल देता है. ठीक है, और ज्यादा इस पे डिस्कस आप वीडियो जरूर देख लें डेटा स्ट्रक्चर का शुरुआत का, जो जहां पे सिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में बेस्ट केस वर्स्ट केस और एवरेज केस के लिए बताया गया. ठीक है, तो इन तीनों में आप इतना लिख देंगे सफिशियंट है. ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द क्यू एंड सर्कुलर क्यू विथ एग्जाम्पल ऑल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब क्यू और सर्कुलर क्यू के बारे में यहाँ पे लिखना है। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस भी बताना है और इन दोनों के बारे में लिखना भी है। तो ये भी थ्योरी है, इसमें भी कोई लिखना ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द क्यू एंड सर्कुलर क्यू विथ एग्जाम्पल ऑल्सो राइट द डिफरेंस इज बिटवीन द टू। ओके, यहां पे इसका आंसर पहला हम लिखेंगे क्यू के बारे में। क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द क्यू इन द रियल वर्ल्ड। A queue is a data structure in which whatever comes first will go out first। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर इन विच वाट एवर कम फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट, मतलब पहले आओ पहले पाओ, एंड इट फॉलोज द FIFO that is first in and first out policy। टू में क्या है, पहले आओ पहले पाओ वाला खेल यहां पे होता है। क्यू कैन ऑल्सो बी डिफाइन as the list or collection in which the insertion is done from one end known as the rear
एंड और द टेल ऑफ द क्यू. इसमें सो व्हेनेवर इंसर्शन is done rear is incremented by one, that is rear is equal to rear plus one हो जाएगा. And इसे लिख लें क्यू. क्यू क्या है? क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू द क्यू इन द रियल वर्ल्ड. जैसा क्यू में लाइन लगा रहता है वही सेम एक क्यू है. क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर विच व्हाट कम्स व्हाट एवर कम फर्स्ट विल गो फर्स्ट गो आउट फर्स्ट. पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पे खेल होता है. दिस फॉलोज द फीफो को ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी को. क्यू में इंसर्शन और डिलीशन का जो पार्ट होता है वो रियर और फ्रंट से होता है. रियर से इंसर्शन होगा और फ्रंट से डिलीशन होगा. ओके तो जब इंक्रीमेंट होगा यानी इंसर्शन होगा तो रियर एक बढ़ेगा और जब डिलीशन होगा तो फ्रंट क्या होगा एक घटेगा. तो आगे हम फिर लिखेंगे इसके बाद. रियर के बाद जब रियर यहां पे एंड इंसर्ट होगा एंड व्हेनेवर डिलीशन इज डन फ्रंट इज इंक्रीमेंट by one, front is equal to front plus one हो जाएगा. ठीक है, यहां पे एक example हम देखते हैं. अगर insert हमें करना है five को तो यहां पे क्या होगा, जब एक queue एक array हमारा यहां define होगा ठीक है तो इस जगह पे क्या होगा फाइव इंसर्ट होगा तो हमारा फ्रंट भी इसी पोजीशन पर रहेगा और हमारा रियर भी इसी पोजीशन पे रहेगा. जब इंसर्ट होगा तो फ्रंट और रियर यहाँ रहता है इस पोजीशन पे. ठीक है तो एक इंक्रीमेंट के बाद यहाँ आ जाएगा तो रियर क्या होगा हमारा आर इजकल टू आर प्लस वन होगा और एफ हमारा क्या हो जाएगा जीरो ही पे रहेगा. इंडेक्स जीरो वन टू थ्री इस तरह से एफ जीरो ही पे रहेगा. आर क्या होगा हमारा यहाँ पे अब आ जाएगा इंडेक्स पे इस वाले पे. अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगा. इसी तरह से आगे भी फिर जाएगा यहाँ पे आर आएगा इन बढ़ेगा फिर यहाँ से हटके यहाँ पे आर आएगा यानी फुल हमारा डेटा अब हो जाएगा. अब जब इंसर्ट काम हो गया है अब जब डिलीट करेंगे तो यहाँ से फ्रंट क्या होगा फ्रंट भी एक इंक्रीज कर जाएगा ना तो यहाँ से फ्रंट आके यहाँ पे आ जाएगा तो ये डेटा नोड हमारा क्या होगा डिलीट हो जाएगा. ओके तो ये क्यू का काम होता है. सर्कुलर क्यू अ क्यू इन विच इंसर्शन एंड deletion never stop if the queue has empty space or at least one data respectively.
इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से डैट अ क्यू इन विच फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक अगेन अपीयर्स आफ्टर द लास्ट ब्लॉक फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन Then the queue is called circular queue. इसका जो figure होगा इस तरह से आप जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन इस तरह से जब जीरो यहां पे पहुंचेगा फिर ही आएगा फिर सर्कुलर में क्या होता है इंसर्शन एंड डिलीशन का काम आगे कंटिन्यू ये बना रहता है ठीक है सर्कुलर क्यू में अगर लास्ट नोट पे पहुंचा तो फिर फर्स्ट नोट से हमारा वो इंसर्शन डिलीशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है A queue in which insertion and deletion never stop if the queue has empty space or at least one data respectively. Okay, तो ये circular queue का theory होता है. उसी में आगे हम लिखेंगे like सिंपल क्यू द इंसर्शन इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम रियर End and the deletion is always performed from front end. ओके तो ये हमारा सेम एज है दोनों को आप क्यू एंड सर्कुलर क्यू क्या है एक एक लास्ट में इंसर्ट होगा तो वहीं पे एंड हो जाएगा सर्कुलर क्यू क्या है कि इंसर्शन एंड डिलीशन कंटिन्यू ये हमेशा चलते रहता है सर्कुलर क्यू में ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो आपको क्यू और सर्कुलर क्यू के बारे में यहाँ पे बता रहा है अब नेक्स्ट हम अब आगे पार्ट सी में जो नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे उसमें चलेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 हमारा रहेगा एक चीज और इसमें हम लिए आपको एक क्लियर कर देते हैं जो डिफरेंस है उसमें आप ये ऐड कर देंगे क्यू एंड सर्कुलर क्यू ओके जिसमें आप फर्स्ट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
that store data as a sequence of elements similar to a real world queue. इसमें लिखेंगे a linear data structure in which the last item connect back to the first item forming a सर्किल. टू जो हम लिखेंगे पॉसिबल टू एंटर न्यू आइटम्स फ्रॉम द रियर एंड remove the items from front end. Possible to enter and remove elements from any position ओके. तो ये हमारा दो आप डेफिनेशन में दे सकते हैं कि सेम है जो ऊपर में हमने लिखा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर डेटा इज सीक्वेंस एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड रियर एंड फ्रंट एंड. जिस नॉर्मल क्यू के रूप में ये हमेशा यूज होता है. एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है विच द लास्ट आइटम कनेक्ट बैक टू द फर्स्ट आइटम फॉर्मिंग, जो लास्ट आइटम है वो हमारा फर्स्ट आइटम से कनेक्ट होता है सर्कुलर क्यू में. और क्यू में हमारा एक नॉर्मल जो लाइन एक होता है जो क्यू में लगा रहता है एक लाइन, वो नॉर्मल एक क्यू होता है. पॉसिबल टू एंटर क्यू में क्या है, जो इंसर्शन और डिलीशन होगा दोनों अलग अलग एंड से होगा, फ्रंट एंड रियर से इंसर्शन, फ्रंट से डिलीशन. एंड इसमें क्या होगा, जो एंटर या तो इंसर्शन और डिलीशन कोई भी पोजिशन से हो सकता है. ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हुआ. नेक्स्ट अब पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को. ओके तब तक आप ये पार्ट को अच्छे से समझ लें. ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में.